नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एविएशन सेक्टर की, हम देखने वाले हैं कि एविएशन सेक्टर का COVID-19 के लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा इस देश में। एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत भारी गाज गिरी है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, अगर सुनने की कोशिश करें, न्यूज़ अगर आप देखी हों तो हर स्टेट की जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उनको भी बंद कर दिया गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तो पहले ही बंद कर दिया गया था। 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की थी जो आज समाप्त हुआ, और आज इस लॉकडाउन को बढ़ा के 3 मई तक कर दिया गया है। दोस्तों लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है कि जहां COVID-19 के तहत हमारे हिंदुस्तान के केसेस उस स्तर पर नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्तर पर पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, हम इसको रोकने में कामयाब हो रहे हैं। इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। पर दोस्तों एविएशन सेक्टर की जहां तक हम बात करते हैं, इस लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा गाज गिरी है एविएशन सेक्टर के ऊपर में। ये सेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल बुरी तरह से धराशायी हो गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बिल्कुल बंद हैं। तो अगर लॉकडाउन खत्म हुआ भी तो सबसे पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ही स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि एविएशन सेक्टर ने सरकार के सामने क्या गुहार लगाई है, क्या अपॉर्चुनिटी हमें इस सेक्टर में दिखाई देती है, क्या हालात होंगे इस एविएशन सेक्टर के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में आज ही खोलिए एंजल ब्रोकिंग में, जो देश की नामी गिरामी कंपनी है और देश की दिग्गज कंपनीज में से एक है। आइए देखते हैं एविएशन सेक्टर की हालात क्या है। दोस्तों एविएशन पे नजर रखने वाली सेंटर फॉर एविएशन पैसिफिक इंडिया लिमिटेड, कापा इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसने अनुमान लगाया है कि जो एविएशन इंडस्ट्री 140 मिलियन के आसपास थी वो इस साल गिर के 80 से 90 मिलियन की रह जाएगी, जो बहुत ही जबरदस्त झटका है। और दोस्तों अगर हम टोटल एविएशन इंडस्ट्री को देखा जाए, टोटल एयरलाइंस को देखा जाए, तो टोटल एयरलाइंस की एवरेज फ्लीट है 650 फ्लाइट्स के आसपास की, जिसमें से अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो धीरे धीरे पटरी पर अगर गाड़ियां आती भी है तो 400 फ्लाइट्स की ही जरूरत होगी, जिसमें से 250 के आसपास डोमेस्टिक और 150 के आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बाकी की बची हुई 200 फ्लाइट्स की जो मेंटेनेंस है, जो पार्किंग है, जो रखरखाव है, उसके ऊपर बहुत भारी खर्चा आने वाला है। ये बहुत ही हिला देने वाला स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। जी हां, बिल्कुल आपने सही समझा। तो ऐसे में एविएशन सेक्टर के ऊपर जो गाज गिर रही है, जो नेगेटिविटी एविएशन सेक्टर झेलने वाला है, वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों एयरलाइन इंडस्ट्री के बिहाफ पे फिक्की एविएशन कमेटी ने हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कुछ रियायतों की। उन्होंने कहा है कि एविएशन इंडस्ट्री को बेल आउट किया जाए, और 5 प्रमुख पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं मिनिस्ट्री के सामने। अगर उनकी बात को मान लिया जाता है तो कहीं हद तक उनको कुछ रिलीफ मिलने वाला है। सबसे पहली जो मांग है वो है इमीडिएट टैक्स रिलीफ की। दूसरी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो है जीएसटी को कुछ महीनों के लिए टालने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें जीएसटी भरने की कुछ महीने की मोहलत दी जाए। तीसरी रिक्वेस्ट है जो जेट फ्यूल है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। चौथी जो डिमांड है वो एयरपोर्ट चार्जेस और फ्लाइट फीस में कुछ कटौती की जाए। पांचवी और आखिरी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो की गई है जेट फ्यूल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। दोस्तों ये कुछ मांगे हैं जो एविएशन सेक्टर में मांग की गई है उसको बचाने के लिए। अगर ये सब मांगे मान ली जाती है तो हो सकता है कुछ रिलीफ एविएशन सेक्टर को मिले। और हाँ दोस्तों, आप ये समझ के देखिए कि जहां स्टॉक्स गिर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से स्टॉक्स गिरे थे, उन स्टॉक्स में आपको ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखनी है जो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स का कारोबार जिनका सबसे ज्यादा है उन पे आप नजर बना के रखिए। तो हो सकता है कि जब तक, अगर मान लीजिए लॉकडाउन और 2 महीने चलता है या 1 महीने चलता है, कुछ कहना मुश्किल है, सरकार को डिसाइड करना होगा, पर अगर मान लीजिए ये लॉकडाउन 1 महीने और चला या 2 महीने और चलाओ, तब तक हो सकता है आपके सामने स्पाइसजेट जैसी कंपनी, इंडिगो जैसी कंपनी, ये जो एविएशन की कंपनीज है, इनके भाव आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस में मिले। और जैसे ही लॉकडाउन का खुलने की उम्मीद जगेगी और हमारे सामने न्यूज आएगी, ये सेक्टर भी भागेगा। एक टेंपरेरी रिटर्न्स बहुत हाई मिलने वाली है, तो ये वो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है एविएशन सेक्टर में पैसा बनाने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं एविएशन सेक्टर को समझने में ये वीडियो आपके काम आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक अभी कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। आपका दोस्त विपुल आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।